सलाम नमस्कार। हमें देवंत बता दें आपको, झांसी के अंदर नगर निगम चुनाव को बिगुल बच चुको है। एक महीना रेस्ट होने के बाद प्रत्याशी दोबारा मैदान में दिखने लगे हैं। तो ऐसे ही राजगढ़ बिजौली के आज हम बिजौली में मौजूद है, वार्ड नंबर 22 के अंदर। जो जनसंख्या देख रहे हैं, जो जनसंख्या जनता खुद बताए आखिरकार, जब वार्ड के अंदर की को पलना भारी है, जब वार्ड के अंदर अनेक लोग प्रत्याशी कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से बात करें, सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी कछु निर्दलीय ठोक रहे हैं, काना ठोक सबको आके चुनाव लड़वे को। जनता बताए आखिरकार हकीकत का है, बिजौली में अवे तक का काम भाव का काम नहीं भाव, जावर का बदलाव चाह रहा है, आखिरकार किए समाज सबकी गद्दी में बैठा रहा चाह रहा है। पहले बताओ इनका का नाम तुम्हारा? राजेंद्र विश्वकर्मा जी, मोहल्ला में रहे? जी हाँ, वार्ड नंबर 22 में। वार्ड नंबर 22 बजरंग नगर में रहते हैं सामने। एक महीना बाद फिर बिगुल फंस गया, फिर चुनाव की रणनीति बनने लगी। हाँ, रणनीति बनने लगी। इस बार अपने भैया रिंकू बंसकार जी हैं और सभी जगह सभी भाई बंधुओं के मुख पे एक ही नाम है, रिंकू बंसकार। और भी तो प्रत्याशी है, उनकी बात का नहीं कर रहा, बिलात लग रहा है राजगढ़ से भी कछु लड़ रहा है चुनाव। ऐसा है कि जो जो कार्यभार देखने के और जो एक चौक है और जो अपने बाढ़ की जो अपना विकास कर सकता है उसी को तो चुनेंगे व्यक्ति। अच्छा, तो मैं रिंकू पे भरोसा है जी हाँ, और कहू पे नहीं है। काम बहुत नहीं हुआ राजगढ़ में, जी मारे कह रहा है बहुत काम हो रहा है, सारे हेल्प हमारे अभी सुधारने लगे हैं, जहाँ जो कमी होती है वो पूरा कर रहे हैं। रिंकू पार्षद के जी है, झूठी हूँ रहे हैं, झूठी का हूँ रहे हैं। जक्का ना भैया, हम मुकेश राजपूत। राजपूत जी बताओ, साझी साझी की लहर चल रही है भैया? इस बार तो रिंकू बंसकार है, वही सभी कार्य कर सकते हैं इस तरह के, और जो सही मतलब नेता है जो कर सकता है, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जानकारी हो उसे हर चीज की, ऐसा व्यक्ति की हमें जरूरत है। राजगढ़ में ब्लॉक प्रत्याशी है भैया, हमसे यहाँ ना कोई आया है ना किसी ने हमसे पूछा है। टिकट पे कौन आसार दिखे कि पार्टी पे कौन का निर्दलीय भैया व्यक्तिगत हो तो भैया, यहाँ तो कोई पार्टी से भी होता है कोई वैसा भी, लेकिन जो कार्य सही करे हमें तो उस आदमी की हमें जरूरत है, उस आदमी की जरूरत है। ऐसे तो बहुत से है नेता है, बहुत से सब जो कार्य कर ही नहीं सकता, कोई मतलब गांव का विकास ही नहीं कर सकता, उस आदमी को हम कैसे करें? जो लड़की पे भरोसा करवे जा रहे हम भैया रिंकू बंसकार पे भरोसा करना चाहते हैं। हाँ, हमारे बीच में और भी खड़े, नाम भाई साहब? नदीम नाम है। नदीम जी जो बताओ, कहा है बाढ़ के अंदर हकीकत कहा है? देखो विकास की बात करें, विकास तो वास्तव में हमारा राजगढ़ बिजौली के अंदर भाव है, क्या लाइटें नहीं लगती, लाइटें लग गई, विकास ही विकास होगा, विकास की तो कुछ कमी नहीं है, कमी नहीं है, ठीक है। विकास गद्दी पे किए बैठा रहे बेचारा, कुछ सच्चो आदमी देखो अभी मेहनत तो कर रहा, रिंकू बंसकार बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहा, और भी तो रहे ओवरऑल की दिखाई नहीं रहा, दिखाई नहीं रहा, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये को दिखा रहा हूँ, सदा रावर का रिंकू बंसकार को दिखा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे से बेचा रहा हूँ, एक तरफ पर लग जाए झड़बे के लाख। अच्छा, और का लड़ाई चालू है, बाकी तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से अच्छा। सुबह से शाम तक भी लगी रहे, लगी रहे। चलो सबसे हो जाओ बात, का नाम कमाओ? सिंह राजपूत। राजपूत जी बताओ, सीट हालांकि तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारा व्यक्ति समाज को कोई खड़ोना हुई है, हरिजन सीट है, 80 सीट है, कहा लगा जाके अंदर को व्यक्ति सच्चो है जो पार्षद की गद्दी बैठा के और सुख दुख में आप लोगों के काम आता है? रिंकू भाई छुट्टा क्या दी तुमने? ये सब कहा है, कहा है, कहा नाम ले रहे आज है? काम में आते ही हमारे लाने हर कछु में, मतलब आज जो कछु देखने तो देखाते हैं, मतलब देख सही देख रहा था। हाँ, और कोई नहीं अजीब लात खड़े, मतलब उम्मीद नहीं पे है, अब उम्मीद नहीं पे है, उम्मीद नहीं पे है, और कोई उम्मीद नहीं है, नहीं। अच्छा तुम बताओ, जय बाट क्यों वोटर बनोगा नहीं बनोगा? बनी है, कहा लग रहा हूँ तुम्हें जाओ आज से कुछ सटीक है, व्यक्तिगत क्या है, रिंकू भाई का थोड़ा व्यवहार अच्छा है और ना काम भी अच्छी कर रहा है, और चीजें नहीं चुनाव से भी वो आगे पीछे चुनाव हो ना हो, प्रेस भी नहीं ना, प्रेस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा रहा है, और मैं सब जनता को भी चाहती है तो ये हमारे सबसे बढ़िया रिंकू भाई। बटन लगी क्या? नहीं बटन लगे साहब, दवाई दवाई वो नजदीक आओ तो बटन लगे। दादा हो गया, दादा का नाम अपनो? बाबूलाल। सबको देखो बार बार जबर किए देख में जा रहा है बाबूलाल जी, बताओ बंसकार वो देख है नहीं है, देखे इनकी क्या बगल वाले कह रहा सुख कैसे कैसे? अच्छा चीना तो तुमने नहीं चीना, रिंकू को चीना तो तुम जिनको नाम दे रहे हैं अब चिनार में आ जाए, चिनार में आ जाए। अब तो आज जा जाना भाई साहब, आ जाओ बीच में बिजौली के अंदर, का सच्चाई है का नहीं है? दादा का नाम? जगदीश पांडे। पांडे जी पास में आ जाओ, पांडे जी जो बताओ, अनेक लोग हैं प्रत्याशी, वादा और इरादा कराते चुनाव आ जाते, जो करा दें जो करा दें, व्यक्तिगत वोट होता है,
क्षेत्र का बाढ़ का किसका भरोसा जता रहे हैं? रिंकू का। कैसी का है क्वालिटी आप उनको? मैं मतलब एक आदर्श सूचक आदमी है और थोड़ा ईमानदार है और उससे उम्मीद लगाई जाती है कि हो सकता है भविष्य जनता का हित करेगा। और ईमानदार नहीं दिख रहा था? और तो इतना अभी तक हम तो 35 साल हो गए कानपुर के रहने वाले, इतना हमें भैया नहीं दिखा कोई, नहीं दिखा कोई, नहीं दिखा, भरोसा दिखा रहे हैं जब क्या लोग नहीं सुन रही का है कभी छुपी निंजा और जो जाले गाले दीजिए सर यार बात सबसे हो जाए पर तुम लोग भग रहे हैं। बता दें बिजोली में मौजूद थे, बिजोली वार्ड नंबर 22, लोगों की बात क्या सामने आ रही है, किसी छुपी नहीं है। आप देखने वाली बात है जो नाम ले रहे हैं एक ही व्यक्ति का, क्या दिल पे राज कर पाएंगे? हमारे बीच में बिलास लोग खड़े पड़े पास में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा जा तो हो गई बात दे आ जाओ यार, अरे आपको करेगा हाँ भाई साहब कहा ना आपका? राम कुमार राजपूत। राजपूत जी बताओ क्या है सच्चाई बांध के अंदर? सच्चाई ये है कि इस बार पूरी जनता ने मन मना लिया है रिंकू मंजकार के लिए। इस बार पूरी जनता ने मन मना लिया रिंकू मंजकार के लिए। और भी तो लोग खड़े हैं राजगढ़ में, कितने प्रत्याशी हैं, काम कर रहे हैं, 10 साल से उनकी मेहनत चल रही है, काम जो काम कर रहे हो वही पे जा रहे हैं, उसी पे जा रहे हैं, मेहनत चल रही है, जनता भी जा रहे हैं, गैर पार्षद भी काम करा रहे हैं, पूरी बिना पार्षद से काम करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, नाली हर जगह विकास करा रहा है, इसलिए इसमें जनता ने मन मना लिया है रिंकू मंजकार के लिए। तुमका क्या हुआ? वोटर तो नहीं हो, सपोर्टर तो ही क्यों सपोर्टर ही से तो वोटर ये क्या हो सपोर्टर सपोर्टर है हमारा भी जो बज्जा जी आ रहा बज्जा कौन हो रविंद्र राजपूत। राजपूत जी बताओ चुनाव नजदीक आएगा 4 मई को वोट डालने शादी शादी का है सच्चाई आखिरकार वार्ड नंबर 22 में वो सच्चो व्यक्ति है जो सवादी गति बेड में लायक है? वो तो जो बैठी हुई लायक है सबको समझ में है, सबको समझ में है, हम चाह रहे की आखिरकार सच्चाई सामने तो आए को है, साथी को छुपत नहीं है कोई भाई साहब, सच्चाई थोड़ी छिपत सबके सामने आए की पे है भरोसा है रिंकू गंसार छुट्टा कह रही और कहूँ पे नहीं भरोसा नहीं बता दे बच्चा ब्लाद लोग खड़े थे देखो ब्लाद से ढूंढ रहा तुम तो बगल में गए बता दे यार जालन तिलक जालन की काकी कहते जो सब खड़े थे जालन देखो अभी ब्लाद दवाई लेवे सच्चाई का खड़ी तो सच्चाई तो अपन तो देखो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ठीक है और जो हमारी जिले की पार्टी निर्णय लेगी हम उनके साथ में और लोग खड़े देखो जेलन क्या को है पीयूष का नाम पीयूष राजपूत कुछ बताओ तुम्हारे बड़े बड़े बाल मुड़े हैं पूरे है रिंकू बंसकार अरे उनने हर किसी की मदद करते हैं हर किसी की मदद थोड़ी पार्षद तो मदद करे बिना पार्षद की मदद करते हैं हाँ। बुला तो लोग खड़े दावेदारी कर रहे तो नहीं भरोसा कर हाँ। और कहूँ नहीं, नहीं नहीं भाई देखो कोई भी हो ये सबसे पहले ये देखा जाता की कौन काम करने वाला कौन है कि नहीं तो जो सबकी राय रहेगी वो उसी को चुना जाएगा जो सबकी राय रहेगी हाँ। वैसे अभी तक को काम करा सारा बेहतर सौ रुपये की सीट ही नहीं जा देखो काम तो ऐसा है कि बोर्ड लेने के टाइम पे सब है उसके बाद कोई नहीं रहता अच्छा। है कि नहीं सही बात है कि नहीं अभी तक मन बनाओ भाई हमारा मोहल्ला अभी भी आप देख के आओ हाँ मोहल्ले में कोई विकास नहीं है कचरा उठाने वाला सफाई करने वाला कोई नहीं आता गुप्ता से नहीं कहूंगा हमने कह लिया सबसे कह लिया कुछ नहीं अब तो जब सीट अलग हो गई ऐसी हो गई अब लोग कर रहे हैं ना हम लोग मेहनत कर रहे बीच में जी आ गए भैया कानो असलाम अकबर जी बताओ कहा है तुम्हारे जो सीट नहीं अब एससी की सीट है बढ़िया आप लोग प्रत्याशी लड़ रहा चुनाव मैदान में तो बढ़िया है भरोसा की पे जता रहे जाओ इस समय भरोसा में रिंकू भैया चल रहा है सब में आ गए सब में आ गए समाज क्या वैसे नहीं समझ सब समाज से सब समाज सब समाज चल रहे अम्मा चुनाव आ गए 4 मई को बता दें आपको बजारो हमारे राजगढ़ बिजौली के अंदर वार्ड नंबर 22 के अंदर जनता ने कहा कही जो आप तो छुपी निंजा शाम को देख लियो खबर के माध्यम से आखिरकार जो जनता को वोट जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे रिंकू बंसकार के ऊपर कि आप वास्तव में उनके लिए जगह दिल में बनाकर रखिए जनता जनार्दन है किसी को भी पार्षद गद्दी पर बैठा सकती है बहुत बहुत नमस्कार।